हेलो गाइस, पर अनुराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए पिंपल डिंपल सॉन्ग का रिएक्शन, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी यवडू का, मेगा पावर स्टार रामचरण जी और श्रुति हसन की मूवी। और यवडू का तो हमने बस फाइट सीन भी किया हुआ है कल, जिसके अंदर हमने देखा था किस तरीके से रामचरण जी और अल्लू अर्जुन होते हैं। और अल्लू अर्जुन का शायद वो कैमियो रोल था, और उसके बाद तो बाकी हमें कितने सारे उसके अंदर कमेंट्स आए थे कि यवडू पूरी मूवी देखो। और ये था कि उसके बाद हम वो मूवी देख नहीं पाए थे। और अभी हमें जो विनय जी है हमारे, जो हमारे न्यूएस्ट मेंबर है, जिन्होंने हमारे 159 मेंबरशिप हमारी ज्वाइन की है, थैंक यू सो मच विनय जी, ऐसे हमारे मेंबर बनते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि पिंपल डिंपल सॉन्ग है वो शानदार सॉन्ग है, उसको आप जरूर देखिए। रामचरण जी का डांस टॉप क्लास मिलेगा और सब चीज मजा आएगा आपको। बिल्कुल, जैसे उन्होंने बोला हम पहुंच कर देखेंगे। बिल्कुल, और इस मूवी के कंपोजर की बात की जाए तो महान कंपोजर DSPG है, देवीश्री प्रसाद है। तो उनके गाने तो हम कितने टाइम से, जब से हमारा चैनल हमने ये तेलुगु इंडस्ट्री का रिएक्शन करना स्टार्ट किया ना, तब से हम DSP के गाने सुनते आ रहे हैं। और सारे के सारे इतने ओवर द टॉप जबरदस्त होते हैं। और इसके साथ साथ इसके सिंगर की बात की जाए तो सागर और रनीना रेड्डी है, जो कि बहुत ही जबरदस्त सिंगर है, उनके भी हमने प्रीवियसली काफी गाने सुने हैं। और इसके अलावा इसके मानतम रिलेशनिस्ट है रामा जोगाई शास्त्री, जो उनकी तो लिरिक्स भी हमने पूरी की पूरे सबके स्टार के हमने बहुत कुछ पहले से देख रखा और सुन रखा, तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल भाई, शानदार सॉन्ग रहेगा, देखेंगे तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाओ, क्या ये क्या है, स्टार्टिंग सीन ऐसा है वो इम्प्रेस हुई है, और उसके बाद ये इमेजिनेशन है। वाह, ड्रेसिंग जोरदार है रामचरण जी। अभी रिसेंटली हमने रामचरण जी का एक और सॉन्ग देखा था, उसमें क्या मूवमेंट थी उनकी आगे पीछे आने वाली। श्रुति हसन अब उतनी फिल्मों में नहीं आती। बहुत ब्यूटीफुल लगती है श्रुति हसन। एक साथ पिंपल डिंपल ही है, पहले नाना पिंपल फिर उसका दूसरा पिंपल। वाह, रामचंद्र जी का फोकस तो किधर है। फुल पार्टी सॉन्ग। वाह, यू आर माय ब्यूटी पैकेट। वाह, राजा रॉकेट। और डिंपल ब्यूटी में आता है, पिंपल कहाँ से ब्यूटी में आया, पिंपल के लोग हटाना चाहते हैं। गजरे बहुत मस्त लग रही है। वाह, आराम से दिखाते हैं यार। और ये उनका थोड़ा डार्क शेड है और उनका लाइट शेड भाई। मूवमेंट बहुत जोरदार है। और बैक डांस से भी अलग मजे ले रहे भाई। सॉन्ग समझने की कोशिश कर रहा था। बेबी बुलेट, क्या बात है। रामचरण जी मजे में डांस कर रहे हैं। तीन लोकेशन, तीन ड्रेसेस, नहीं ये थोड़ी लोकेशन सेम ये बस है। हाँ, खाली लाइटिंग वगैरह में थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए। तीनों के तीनों ड्रेस बहुत अच्छी थी, और साथ में हेयर स्टाइल भी डिफरेंट डिफरेंट रखा गया इसमें से, वो गीले वो बाल रखे हैं फर्स्ट में अलग थे। और इवन बैक डांसर्स के भी गीले बाल रखे थे।
एक अच्छी बीट वाला फुल पार्टी सॉन्ग, मतलब मजे कर रहे हैं लाइक वो पिंपल टिंपल, और वो एक मेरे को ऐसा लगा कुछ पिंपल टिंपल साथ में बोलेंगे और उसके साथ राइम करेंगे, उसके बाद बेबी बुलेट रॉकेट राजा, बट ऐसा था कि एक लाइन में पिंपल तो दूसरे लाइन में डिंपल, तो वो वैसी पूरी राइमिंग लाइंस बनाई गई, जैसे लगता है पोएटिक गाना लिखा गया था, तो वैसे जैसे वो बेबी बुलेट फिर रॉकेट राजा, तो हर एक करके सबको एक राइम बिठाई गई थी और उसके साथ डांस। बाकी वही मैं बता रहा था कि तीनों के तीनों मतलब तीन अलग सेट, सेट सेम ही थे पर ये था उसकी लाइटिंग्स वगैरह, उसकी लाइटिंग डिफरेंट कर दी और उसके अलग अलग पार्ट्स का यूज किया गया, लाइक थर्ड वाले पार्ट में अंधेरे वाले पार्ट का यूज किया गया था, फिर सेकंड वाले में थोड़ा डिफरेंट पार्ट और फिर वो एक अलग लाइटिंग कर दी गई, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी ड्रेसेस भी शानदार लगी, जैसे हमने श्रुति हसन को देखा तो मतलब फर्स्ट में भी बहुत शानदार लगी, पर दूसरे वो गजरे वाला एकदम हेयर स्टाइल लेके आई थी पीछे, मस्त सुपर टूपर टॉप गाना लाइक, और ऊपर से रामचरण जी की भी ऐसा ही था कि नीचे वो जो रेडीमेड कुर्ती वो धोती नहीं आती वैसी जो बंधी हुई आती है वो, फिर ऊपर कुर्ता और ऊपर से ब्लेजर, तो लाइक तीनों में तीनों टाइप उनके ब्लेजर का कलर चेंज हुआ, कुर्ते का कलर चेंज हुआ, पर ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त बनाई गई दोनों की, और साथ ही साथ में डीएसपी का म्यूजिक इतना कमाल का उन्होंने म्यूजिक दिया, लाइक बीच में जैसे फ्लूट वगैरह का उन्होंने एक डाल देना, कि ऐसा नहीं कि मिक्सअप करके उन्होंने डाला है, सिंगल सिंगल पूरा एक 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 पर्टिकुलर टाइम दिया कि हाँ भाई 8-10 सेकंड का ये फ्लूट आएगी, तो 8-10 सेकंड की खाली वो फ्लूट ही है, उसके साथ में कोई पीछे से बैंड वगैरह कोई ढोलक या कोई तबला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया गया, तो काफी इंप्रेसिव लगा। और उसके साथ साथ में रामचरण जी का डांस, लाइक ऐसे फ्लूट वाले पे या फिर जो ऐसे सिंगल आ रहे थे उनमें रामचरण जी का एकदम वो ग्रुप लाइक एकदम ऐसा लाइन में खड़े होकर आ रहे थे, और वो लाइन में उनके जैसे ऐसे हिलने वाले मूवमेंट्स है, और भी 2-3 तरीके के मूवमेंट्स थे, ऐसे मूवमेंट दिखाएगी ना तो वो बहुत इंप्रेसिव हो गया था। वही पूरा सॉन्ग इमेजिनेशन था, क्योंकि वो शुरुआत में देखी तो वहाँ पे ऐसे हाँ वो चले जाते शुरू से इमेजिनेशन में आ जाते हैं, और फिर ये लोग एंजॉय करते हैं मजे करते हैं, और फिर खेल खाल से मूवी जो है अपने पेस में आ जाती है, तो बहुत मजेदार इमेजिनेशन सॉन्ग बनाया गया था। और ऊपर से मेन लिए था कि रामचरण जी फुल टू एंजॉय कर रहे हैं यार, क्योंकि उनके जब भी स्पेशल देखो तो ऐसा लगा था कि वो मतलब खुल के आना चाहते थे, पर डायरेक्टर उनको बोला हुआ था कि आप एकदम ज्यादा स्माइली करते थे, आपको बस एकदम एंजॉय करते रहे, पर उनकी शक्ल पे देखा था वो बहुत एंजॉय कर रहे थे सॉन्ग को, और हमने उनको देख के और ज्यादा एंजॉय किया बिल्कुल। ऊपर से दोनों के साथ में एक्सप्रेशन भी बहुत आ रहे थे, और दोनों की जोड़ी भी इतनी जबरदस्त लग रही थी कि उनको एक दूसरे को बीच में से छेड़ते हुए नजर आ रहे थे, एकदम मस्तियां करते हुए नजर आ रहे थे ना, तो स्क्रीन प्रेजेंस को और ही जबरदस्त बना देता, तो ऑल ओवर मजा आ गया सॉन्ग में। विनय जी को थैंक यू भाई, विनय जी थैंक यू सो मच, ऐसे हमें रिकमेंड करते रहे, बाकी बहुत शानदार, और ऐसे आप लोग भी हमारे मेंबर बन सकते हैं, और साथ साथ में जो ऐसे विनय जी की तरह हमें सॉन्ग्स बता सकते हैं, तो माई 29 से चालू हुआ है, तो उससे देख के आप जितने भी आप कोई भी प्लान आप चाहे आप चूज कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं, तो फटाफट बन जाइए और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, ज्वाइन करते जाइए, बाय।